बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। अच्छा जी, आज मैं आया हूँ जी दरियाए चनाब पे उस्मान भाई से मुलाकात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है उस्मान भाई? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जाओ, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक। ये जी माशाल्लाह से जो है ना उस्मान भाई वजीराबादी, इधर जरा सामने आइए, जरा रोशनी से शक्ल नहीं नजर आ रही, खूबसूरत हो ना इस वास्ते। ये जी माशाल्लाह से आज तकरीबन एक साल के बाद तकरीबन जो है ना भाई, कितनी देर बाद चक्कर लगा है? 10 महीने। हाँ जी भाई, तकरीबन 10 महीने हो गए, 10 महीने बाद चक्कर लगा जी हमारा आज मछली के लिए। ठीक है, तो उस्मान भाई मुझे कॉल किया, भाई मैं आज आया हूँ तो आज मिलने के लिए आ जाए। तो ये कौन सा सेक्शन है जी, किस जगह पे बैठे हुए हैं आप लोग? दरियाए चनाब कौन सी जगह है ये? नहर का जोर। हाँ ये जी, ये जो वो नहर है जो वो आती है ना मानोचक वाली नहर के नाम से जो मशहूर है, लोअर झेलम के नाम, ये जो दरियाए चनाब में गिरती आ गए। ठीक है, तो ये वो वाली नहर है। और ये पकड़ने जरा। अच्छा जी, ये वो वाली नहर है। और जो है ना वसीम जो है ना उस्मान भाई ने कोई 5-6 दाने पकड़े हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। ये इनकी कुछ डोरें लगी हुई हैं, 3 ये लगी हुई हैं और 3 वो सामने 4 नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने आज कुछ दाने पकड़े हैं जी, ये नज़र आ रहे हैं आपको, 2, 4, 6, 7 और 8, ये 1 किलो के करीब का रोहू है, बाकी ये हैं बुटर है। अच्छा जी बताएं जी, कौन से चारे से लगाया जी, कौन क्या लगाया था कुंडी पे? गंडोया भी लगाया था, बोरा भी लगाया जी, वो कैंची गंडोए वगैरह जो वो भी लगाए थे, और रोटी के जो है ना पीसेस भी लगाए थे छोटे। ठीक है, तो ये आज इनकी चाल रही है जी आज माशाल्लाह से। कौन सा रोज़ा जी आज? 18वां रोज़ा है ना आज, 18वां रोज़ा जी माशाल्लाह आज। और तारीख है आज की 9 है कि 10 है? 10 तारीख की ये शायद एयरपोर्ट है। ठीक है, ये लोअर झेलम कनाल है जी, चनाब में जो गिर रही है। ठीक है, ये वो वाला सेक्शन है। तो इंशाल्लाह जी जिस भाई ने शिकार वगैरह करना है, तो आजकल फिलहाल आज के दिन की रिपोर्ट अच्छी है। गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्तों से ये जो दरिया का पानी है ना बिल्कुल स्टेबल है। ठीक है, शिकार वगैरह हो रहा है, तो कुछ रमज़ान की वजह से लोग चक्कर नहीं लगा रहे। अगर किसी ने शिकार करना है तो ये मानोचक वाली नहर जो है तकरीबन टोटल जो है उनका पानी बिल्कुल साफ़ है और हल्का हल्का करंट में भी है। ठीक है, इंशाल्लाह तो आएँ चक्कर लगाएँ इंशाल्लाह। बाद में अगर आप आ जाएंगे तो उसके बाद पानी अगर स्टेबल ना हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी गारंटी नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।